सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन. यू आर अगेन मोस्ट वेलकम टू माई आवर चैनल. ओके, सो इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द मेडिसिनल केमिस्ट्री. ओके, सो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स के बारे में, और उसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू द मेडिसिनल केमिस्ट्री. ओके, सो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द टूडेज वीडियो नाउ. सो हिस्ट्री ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, हिस्ट्री एंड द इवोल्यूशन ऑफ द मेडिसिनल केमिस्ट्री कैन बी स्टडीड अंडर फोर हेड्स. जो हिस्ट्री है या फिर इवोल्यूशन है मेडिसिनल केमिस्ट्री का, जो इतिहास है मेडिसिनल केमिस्ट्री का, और किस तरह से वो जो मेडिसिनल केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है साइंस के सेक्टर में, दैट कैन बी स्टडीड अंडर फोर हेड्स. चार हेड्स में हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है. सो इसको हम लोगों ने बांट दिया है हिस्ट्री को, ठीक है. पहला है ड्रग ऑफ एंटीक्विटी, दूसरा है द मिडिल एज, तीसरा है द 19th century, एंड द चौथा है वो 20th century. ओके, सो ये फोर हेड्स है जिसमें हम हिस्ट्री देखेंगे अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री का. ओके, सो लेट्स स्टडी वन बाई वन. फर्स्ट है वो हम लोग स्टडी करेंगे ड्रग ऑफ एंटीक्विटी. ओके, द ओल्डेस्ट रिकॉर्ड ऑफ यूज ऑफ थेरापेटिक प्लांट्स and minerals were derived from ancient civilization of Chinese, the Hindus, the Mayans and of the Central America and the Mediterranean people of ancient. Drug of antiquity में क्या होता है कि जितने भी oldest record अभी तक find किए गए हैं तो इसमें ये जाना गया है कि शुरू से ही लोग therapeutic plants जो होते हैं, जैसे जितने भी medicinal plants होते हैं, उनका प्रयोग करके लोग किसी भी डिजीज़ का ट्रीटमेंट करते थे, ठीक है. वो जैसे कुछ मिनरल्स भी हो गए जिनका प्रयोग करके वो लोग उसको ठीक करते थे. स्पेशली जो चाइनीज सिविलाइजेशन के थे लोग, जो हिंदूस लोग थे, जो मैंस के लोग थे ऑफ सेंट्रल अमेरिका, वो लोग क्या करते थे, थेरापेटिक प्लांट्स, ठीक है, या फिर मिनरल्स का प्रयोग करके ये जो डिजीजें हो रही थी उस वक्त, उसको वो लोग ठीक करते थे. इन एंशियंट ग्रीक एपोथिकेरी शॉप्स कुड बी फाउंड हर्ब्स सच एज ओपियम, स्क्विल, हायोस्कैमस एंड वाइपर टॉक्सिन्स एंड मेटेलिक ड्रग्स सच एज कॉपर, जिंक, आयरन, सल्फेट, etc. एंशियंट ग्रीक एपोथिकेरी जो थे, एपोथिकरी मीन्स मेडिसिनल शॉप्स. जो एंशियंट की जो एपोथिकरी शॉप्स थे, मेडिसिनल शॉप्स थे, वहाँ पर कुछ हर्ब्स जो थे पाए गए थे. कुछ छाड़ी वाले जो पौधे होते हैं उनको हर्ब्स बोलते हैं. तो उसमें आ गया ओपियम, स्क्विल, हायोस्कैमस एंड वाइपर टॉक्सिन्स, और कुछ मेटलिक ड्रग्स भी पाए गए थे जिसमें आता है कॉपर, जिंक, आयरन, सल्फेट, etc. ओके, सो ये एंशियंट लोग ऐसे थे जो इन सभी प्लांट्स का, मेडिसिनल प्लांट्स का यूज़ करके, इन मेडिसिनल हर्ब्स का यूज़ करके वो डिजीजेस का ट्रीटमेंट करते थे. ओके, मिडिल एज में पाया गया कि जो पैरासेल्सस थे 1493 में, ये एक स्विस फिजिशियन थे जो एंटीमोनी का प्रयोग करके और उसके साल्ट का प्रयोग करके डिजीजेस का क्योर करते थे. इससे ये भी साबित होता है कि जिस तरह से जो एंशियंट लोग थे उसमें वो लोग तो मेडिसिनल प्लांट्स का यूज़ करते थे, हर्ब्स का यूज़ करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब मेडिसिनल केमिस्ट्री का जो जन्म हुआ, वो जब धीरे धीरे इसकी जो वो जो स्कोप है वो बढ़ता गया, तो साइंटिस्ट ने भी काफ़ी रिसर्च किए इसके बारे में. और कमिंग टू द 19th century, इट इज़ ऑल्सो कंसीडर्ड एज ऑफ इनोवेशन एंड केमिस्ट्री. अब ये एक ऐसा एज माना जाता है, मीन्स यहाँ से जो मेन मेडिसिनल केमिस्ट्री थी उसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत से साइंटिस्ट मिलकर नए नए चीज़ों का डिस्कवरी करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, उससे कुछ जो सिंथेसिस होता था उसका वो प्रयोग में लाने की कोशिश करते थे. ओके, सो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड द एज ऑफ इनोवेशन एंड केमिस्ट्री. द सिंथेसिस ऑफ यूरिया 1828, एसिटिक एसिड इन 1845 बाई कॉलवे, एंड मिथेन इन 1856 बाई बर्थेलोट से द स्टेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो धीरे धीरे जब मेडिसिनल केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, नए नए साइंटिस्ट एंड रिसर्चर आए और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने नए नए ड्रग्स का निर्माण किया, ठीक है. उसमें पहला जो सिंथेसिस हुआ 1828 में वो है यूरिया, उसके बाद एसिटिक एसिड इन 1845 बाय कॉल्बे, एंड मिथेन गैस इन 1856 बाय द बर्थेलोट से द स्टेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नाउ द आइसोलेशन ऑफ मॉर्फिन बाय द अस्टर्नर
1893। अब मॉर्फिन का जो आइसोलेशन हुआ जब स्टर्टनर ने इसको किया 1803 में, इमेटिन फ्रॉम द ईपा कोना बाई द पैलेटियर इन 1816। ईपे का कोना, ठीक है, ये एक ऐसा ड्रग था जो पैलेटियर ने सर्च किया था 1860 में। चूँकि ये बोलने में काफ़ी टेढ़ा है लेकिन कोई बात नहीं, वी आर इंडियंस, ठीक है। सो इमेटिन फ्रॉम द ईपा का कोना बाई द पैलेटियर इन 1816 एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कैफीन क्विनोन कॉल्सिकीन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज यूज ऑफ प्योर सबस्टेंसेज एंड थेरापेटिक एजेंट्स। अब इससे ये साबित होता है कि 19th सेंचुरी में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का न्यू रखना शुरू हुआ तो इसमें जब आइसोलेशन हुआ मॉर्फिन का, इमेटिन का, कॉलेकिन का, तो ये सबस्टेंसेज थे सब, उनको थेरापेटिक इफेक्ट में एज अ थेरापेटिक एजेंट प्रयोग किया जाता था ताकि जो डिजीज है उनका क्योर किया जा सके, ठीक है। नाउ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री केम इन टू एग्जिस्टेंस एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। अब जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो ओपन होने शुरू हुए वो 19th सेंचुरी के अंत तक जाते आते वो शुरू हो गए थे, ठीक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री रिसीव्ड फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन इन एकेडमिक फार्मेसी इन 1932। अब देखिए 1932 में मेडिसिनल केमिस्ट्री को एकेडमिक्स हासिल हुआ इन फार्मेसी इन 1932। नाउ डोमैक रिपोर्टेड क्योर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन मैन एंड एनिमल्स बाय द प्रोंटोसील्स, ठीक है। अब जो डोमैक थे उन्होंने रिपोर्ट किया क्योर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन मैन एंड एनिमल्स बाय द प्रोंटोसील। उन्होंने प्रोंटोसील का प्रयोग करके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है जो ह्यूमन या फिर एनिमल में पाए जाते हैं उनको क्योर करने का वो तरीका उन्होंने ढूंढा, दैट इज क्योर बाई प्रोंटोसील, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन बाय फ्लेमिंग इन 1929 एंड इट्स एग्जामिनेशन बाय द फ्लोरी एंड चैन इन 1941 लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ पोटेंट एंड लेस टॉक्सिक एंटीबैक्टीरियल एजेंट, ठीक है। तो जब पेनिसिलिन अब आ गया, चूँकि ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट था और ये लेस टॉक्सिक भी था, तो इसका अब थेरापेटिक इफेक्ट में, थेरापेटिक यूज में इसको लाया गया और इससे काफ़ी जो बैक्टीरियल डिजीजेस थे उसको वो लोग ठीक भी करते थे, ठीक है। नाउ फर्दर डेवलपमेंट लीड टू द वेरियस क्लासेस ऑफ मेडिसिनल एजेंट्स लाइक द साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स, हार्मोन्स, स्ट्राइडल्स, एनास्थेटिक्स एंड एनाल्जेसिक। अब जब धीरे धीरे मेडिसिनल केमिस्ट्री की डेवलपमेंट हुई, मेडिसिनल एजेंट्स बनते गए, जैसे साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स बन गए, ठीक है, जो साइकोटिक में यूज़ किया जाता है, हार्मोन्स स्टेराइड्स बनने लगे, एनास्थेटिक्स मेडिसिन बनने लगे, इसके बाद एनाल्जेसिक्स मेडिसिन बनने लगे, ठीक है। सो इस तरह से जो डेवलपमेंट हुआ मेडिसिनल केमिस्ट्री का फ्रॉम ड्रग ऑफ एंटीक्विटी टू द 20th सेंचुरी, ठीक है। नाउ डेवलपमेंट इन मेडिसिनल केमिस्ट्री, सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द मेडिसिनल केमिस्ट्री। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। और यदि आपने वीडियो से कुछ से समझा है सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।